हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बायो में एक रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में आज हम कन्फाइन रखेंगे अपने वीडियो को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर वी आर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड दिस इज गोना बी वीडियो पार्ट नंबर वन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, सबसे पहला मुद्दा कि देखिए रिप्रोड्यूस तो हर ऑर्गेनिज्म कर रहा है। आप ह्यूमन को देख लो, आप किसी भी एनिमल को देख लो, आप किसी भी प्लांट को देख लो, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं। ओके, तो अब रिप्रोड्यूस करते तो हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल अगर मैं पूछूं या आप पूछो या कोई और भी आपसे पूछे कि भैया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही क्यों करते हैं, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसका सिंपल सा जवाब है to continue their species करने के लिए बच्चे। okay, तो species continue करने के लिए, तो ये रहा हमारा पूरा तैयार material। okay, तो यहाँ पे क्या हमने कहा कि भाई species इनको continue करना है। okay, एक reproduction जो है वो कोई essential process नहीं है जिंदा रहने के लिए ना। reproduction is not an essential process for being alive, but still this is necessary to continue the species. अब suppose that ऐसा situation आ जाए कि कभी reproduction हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? इंसान तो मरेंगे ही ना, कोई animal तो मरेगा ही ना कभी मरेगा, उसका certain life period है, उसके बाद वो मर जाएगा। तो जब reproduction ही नहीं होगा तो further life process कैसे continue होगा? तो reproduction is important, but it is not necessary for being alive. Okay? ठीक है, जैसे अगर ये जो कार्ड है फॉर इंस्टेंस, ये जो भी कार्ड है मैं अगर मशीन से बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ कार्ड बना सकता हूँ मैं, और आप जितने बोल दो उतने कार्ड्स में बना सकता हूँ। बट दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि चीजें अलग अलग, जैसे असेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस के चांसेस तो नहीं रहते हैं, बट जो वेरिएशंस फिर भी डीएनए कॉपी में हो जाता है। हाँ, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बट कॉपी तो जरूर बनाते हैं। यस, ओके। अब वेरिएशंस का फायदा क्या है? जैसे अभी मैं बात किया कि हाँ वेरिएशन का होता है ना, although variation is an important part of reproduction because it has a better survival of the organism. Organism ज़्यादा अच्छे तरीके से survive करता है। जैसे कि आप simple सा एक हम example लेते हैं कि variations कैसे आ रहा है, जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। जैसे कि क्या है कि पहले के जमाने के जो बच्चे होते थे या अभी आपके oldies जो लोग हैं, family members हैं, जो दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं, वो उस स्मार्टनेस के साथ मोबाइल यूज नहीं कर सकते, बट एक 2 साल का बच्चा भी काफी अच्छा मोबाइल चला लेता है। गेटिंग? तो वेरिएशंस उसमें जो इंफॉर्मेशन उसके पेरेंट्स में है, उसके एनवायरनमेंट से ऐड ऑन हो रहा है। जैसे अभी मैं हूँ तो मेरे अंदर जो पेरेंट्स से मेरे मिला जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मिला, अलॉन्ग दैट आई लर्न समथिंग फ्रॉम माई एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट से सीखा, अपने आसपास से सीखा, अपने टीचर से सीखा, अपने लोगों से सीखा, आप लोगों से सीखा, कुछ खुद से पढ़ के सीखा, जहां से भी सीखा वो मेरे अंदर एक्युमुलेट हुआ। तो द न्यू जनरेशन दैट कम्स दैट शुड बी स्मार्ट इनफ, और भाई स्मार्ट इनफ होएगा नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सोचो जरा आज कोई एक ऐसा बच्चा जिसको फोन यूज करना आता हो, उसको कितना मुश्किल हो जाएगा लाइफ। वो भाई वीडियोज कैसे देखेगा, इंटरटेन कैसे करेगा, मोबाइल तो आजकल सब चला रहे हैं ना, गेम्स कैसे खेलेगा। ठीक है, हालांकि आप कह सकते हो सर बहुत सारा वो है, बट इट्स डिबेटेबल, आप लोग इस पे हम लोग नहीं समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ओके, सो एक्युमुलेशन ऑफ पर्टिकुलर वेरिएशन। अब मान लो जैसे कि ना इंसान थे हम लोग, पहले क्या हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग वो थे, एनिमल थे, जैसे मंकी थे या फिर एप थे, जो भी थे ना। तो धीरे धीरे विद द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये एक चेंज होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, एक बहुत ज्यादा बड़ा चेंज हो जाए, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, स्पीसीज, न्यू स्पीसीज ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, न्यू स्पीसीज ग्रो करने लगते हैं। हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन में, जब हम बीटल और ढेर सारी चीजों की बात करेंगे,
तो अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अगर याद करो मोबाइल, पहले मोबाइल नॉर्मल होते थे, ऐसे उठा के आप हेलो करते थे, बस बात करते थे। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें बदलते 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 अब एक मोबाइल एक कंप्यूटर से कम नहीं है, इट्स इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट। ओके, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि एक मोबाइल कितना अपग्रेड हो गया और आप इसको कंप्यूटर से कंपेयर कर रहे हो। क्या ये अभी भी मोबाइल हम इसको कह रहे हैं, बट इसको आप कंप्यूटर भी कहना हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक कुछ समय के बाद अभी मोबाइल का वैसा है, जो स्ट्रक्चर है मोबाइल का वो वैसा नहीं रहेगा। आप कम्युनिकेशन हम लोग ऐसे हेलो हेलो करने वाले नहीं हो सकता, कल कल के डेट में हमारे पास ऐसा कुछ हो और हम बस ऐसे प्रेस कर रहे हैं और हमारी बातें हो रही है। गेटिंग एक छोटा सा चिप होगा यहाँ लगा लो भाई, आंखों के सामने ऐसा जा रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो एक पूरा तरीके से न्यू डिवाइस आ जाएगा। तो उसी तरीके से धीरे धीरे वेरिएशन होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, तो पीरियड ऑफ टाइम पूरा नया ही ऑर्गेनिज्म बन गया, तो नया स्पीसीज बन गया। ठीक है, सो वेरिएशन इज रिजल्ट इन जेनेटिक ड्रिफ्ट वेयर सम स्पीसीज आर डिस्टिंक्ट। ओके, अब देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है कि स्पेशली अब वेरिएशंस, अच्छा वेरिएशंस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आम जिंदगी में सुना होगा आपने कि जो है ना शादी विवाह जो करना चाहिए वो, या जो रिलेशनशिप्स होने चाहिए वो क्लोज रिलेशंस में नहीं होने चाहिए, बिकॉज जो वेरिएशंस के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, तो ज्यादा अलग अलग इन्वायरमेंट से रहा हुआ इंसान, उसमें वेरिएशन व्हेन दे कम टुगेदर, ओके मेट टुगेदर, ओके दे गिव द चांसेस फॉर द ग्रेट वेरिएशंस। तो वेरिएशंस ज्यादा अच्छा होगा तो सर्वाइवल की कैपेसिटी ज्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात पे भी ख्याल रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कीप आस्किंग। ओके, द यूजुअल वेरिएशन आर पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने बात किया अभी मोबाइल का एक एग्जांपल लेके, कि वो जरूरी है उसके एनवायरनमेंट में, वो नया चीज नहीं सीखेगा तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइवेबिलिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, तो सर्वाइवल करना ही है तो उसको आना पड़ेगा ये चीज सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक मैं आपको कोई क्लियर दिक्कत ना हो। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म गेट वेरिएशंस, तो अभी मैं बात कर रहा था कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस लाना इजी है, बट हम फिर भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा वेरिएशन देखने को मिले। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट एंड ऑल दी सिस्टम। ओके, द ह्यूमन स्पीसीज और द स्पीसीज एक इंसान है, एक इंसान है, अगर इंसान है तो इंसान रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर द सेम स्पीसीज। ओके, कास्ट रिलीजन्स नथिंग, डजंट वर्क ओवर हियर। ओके, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अच्छा वेरिएशन है, तो हम क्या करेंगे कि ठीक है सम डिफरेंट इन्वायरमेंट के इंसान से बात करें या नए लोगों से, एंड आप ढेर सारे लोगों से मिलते हो तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ में। उसी तरीके से शादी विवाह या रिलेशनशिप्स, आप डिफरेंट लोगों के साथ अगर रहता है, मतलब टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट वाले लोगों के साथ, तो वेरिएशन ज़्यादा अच्छा ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलता है। ओके, हालांकि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, फिर भी अगर वेरिएशन हमें देखने की मिले तो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ डीएनए कॉपिंग के समय, एरर के समय देखने को मिल सकता है। मतलब डीएनए कॉपिंग का एरर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो क्रोमोजोम्स क्रोमैटिक मटेरियल पूरा अलग हो रहे हैं एंड फिर देन दे स्प्लिट आउट। ओके, तो क्या हो रहा है कि उस प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा एरर हो जाता है। मतलब क्या कह रहे हो भाई, मशीन से तो बना नहीं रहे ना, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और बायोलॉजिकल प्रोसेस में थोड़ा ना थोड़ा एरर तो हो ही जाएगा, तो ये ऐसा आपको देखने को मिलता है। ओके, तो उनके वजह उनमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए कॉपिंग एरर देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की ओर। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारा दो है, सेक्सुअल सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल अमीबा या जो भी है, हम अभी असेक्सुअल में ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेके बात करने वाले हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देते हैं, इनमें मल्टीपल पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। मल्टीपल पेरेंट कहने का मतलब यही है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व। ओके, वेयर आर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर द रिप्रोडक्शन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग द यंग वंस। ओके, चलिए
आगे बातें करते हैं। तो हम सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं। एक सिंपल सा हमने ये लिया है कि किस तरीके से हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये फर्दर रिप्रोड्यूस हुआ है, स्प्लिट हुआ है दो पार्ट में। अब ये स्प्लिट जैसे भी हो, अभी हम और भी आगे, फिर ये फर्दर, ये फर्दर, ये फर्दर, ये फर्दर, ऐसे ही ये स्प्लिट होते रहते हैं। ओके, जैसे कि हमारा रात में हम क्या करते हैं, वो दही जमाते हो ना, दही जमाते सब, है ना। तो दही, दूध गर्म करके हम इसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं। अब थोड़ा सा दही डालते हैं तो पूरे रात में ये पूरा का पूरा, ये रात भर में पूरा दही जम जाता है। तो ऐसा क्या होता है भाई? एक्चुअली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द नाइट टू मेक दैट दही। ओके, दही बनाने के लिए भैया पूरे रात वो रिप्रोडक्शन कर रहा था, और आप उसके बाल बच्चे खा रहे हो, देख लो भाई, है ना। बट ठीक है, बट दिस इज अ गुड बैक्टीरिया, दिस इज हेल्दी फॉर ईटिंग, हमें खाना चाहिए, ठीक है। ओके, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द टू और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इट्स ओन एंड इट्स सीन इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अ फ्यू प्लांट्स। बहुत बेसिक्स एनिमल्स में ही देखने को मिलता है इस तरीके से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और कुछ फ्लावर्स में देखने को मिलता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट ये बहुत ही लोअर, बहुत ही डाउन ना बेसिक एनिमल्स के या प्लांट्स के में ही देखने को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है। ओके, वहीं पे फिजन की बात करते हैं। अब फिजन जरा देखो, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ओके, अब फिजन में क्या होता है कि सिंपली ये ना टू डॉटर सेल्स में ना डॉटर न्यूक्लियाई में ऐसे ब्रेक डाउन होते हैं फर्दर। मैं अभी जरा पिक्चर में दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। ओके, अब जरा यहाँ देख लो बच्चे, क्या है कि साइटोप्लाज्म में और ये क्रोमोजोम है, ये आपका न्यूक्लियस है, क्रोमेटिक मटेरियल है अंदर यहाँ पे जो भी है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होने लगता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये धीरे धीरे पूरी तरीके से दो क्रोमेटिक मटेरियल अलग अलग तैयार हो जाते हैं, जिसको हम साइटोकिनेसिस बोलते हैं। ओके, उसके बाद टू डॉटर डॉटर सेल्स रेडी हो गए। ओके, दो डॉटर सेल रेडी हो गए भाई। तो ये सिंपल प्रोसेस है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ऐसे का देखने को मिलेगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, उनको सेपरेट सारा ऑर्गेनिज्म सिस्टम चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए, और तभी वो रिप्रोड्यूस करेंगे। बट उसकी बातें हमारे अगले लेक्चर में जरूर होंगी, आज के लेक्चर में तो वहां तक हम नहीं पहुंचने वाले हैं। ओके, तो एक बार हम इन चीजों को देख लेते हैं कि क्या है भैया। देखिए, सो द फिजन इज द रिजल्ट ऑफ द टू डॉटर सेल्स, इट इज अ बाइनरी फिजन एंड दैट यू कैन सी इन अमीबा एंड पैरामीसियम एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, व्हेन द फिजन रिजल्ट इन मेनी डॉटर्स टुगेदर, जब भी हम देखेंगे, ओके, जैसे कि यीस्ट वगैरह में, जैसे प्लाज्मोडियम में, तो क्या होता है कि बहुत सारे एक ही सेल, अभी हम पिक्चर्स में भी देखेंगे। ओके, प्लेन्स ऑफ फिजन्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखो भाई, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना डिजायर्ड है, जो जिस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि अभी देखा हमने ये कि सिंपल इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मन करता तो इधर से ऐसे भी अमीबा जैसे देखते हो ना, उसको कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। बट पैरामीशियम में क्या है कि एक फिक्स पैटर्न है। ओके, लेशमानिया में, ओके, लेशमानिया ये जो काला जार आपको करता है, ओके, काला जार, तो इसमें देखो एक फिक्स पैटर्न, दे रिप्रोड्यूस लाइक दिस, ये मतलब एक ही पार्ट से ऐसे दो पार्ट होंगे। अमीबा का कुछ भी नहीं था भाई, अमीबा इज लाइक कि भाई चल भाई इधर से मैंने उधर से रिप्रोड्यूस कर लिया। ओके, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स स्ट्रक्चर। ओके, बट द लेशमानिया हैव द विप लाइक स्ट्रक्चर एट द वन एंड ऑफ द सेल एंड इट हैज डेफिनेट ओरिएंटेशन एंड स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ भी अनऑर्गेनाइज ढंग का नहीं है, ऑल्दो इट्स आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। तो मल्टीपल फिजन जिसकी बातें मैं कर रहा था आगे, तो ये प्लाज्मोडियम और यीस्ट वगैरह में देखने को मिलता है बच्चे। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखो, ध्यान दो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस ढेर सारे डॉटर ऐसे न्यूक्लियस में चेंज हो रखा है, एंड दे स्प्लिट, ये सेल वॉल यहाँ सेल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल यहाँ से ब्रेक किया, एंड दे बिकम द मल्टीपल नंबर्स ऑफ द न्यू सेल। ओके, नए मल्टीपल नंबर्स ऑफ सेल्स बन चुके हैं। अब इस फिजन को क्या बोलते हैं अपन, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बहुत स्पेशल नहीं है, आपको जो ना समझ में आया हो मैंने बताया और आप ना समझ पाए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन की। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या है बच्चा, ब्रेकिंग अप द बॉडी ऑफ द पेरेंट इंटू टू और मोर पीसेज ऑफ मैन मैच्योरिंग। अब पेरेंट का बॉडी भैया दो से ज्यादा पीसेज में टूट गया। ओके, जब वो मैच्योर हो रहा है तो वो फ्रेगमेंटेशन होगा, जैसे कि आपका स्पैरोगिरा में होता है। ओके, एंड नॉट ट्रू फॉर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली, ये मैं भी जब भी बात कर रहा हूँ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की मोस्टली। ओके,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है या बहुत ही लो ग्रेड एनिमल्स और प्लांट्स की बात हो रही है, बहुत सारे हाई हायर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही है। ओके, दे कांट डू सो बिकॉज दे देर आर मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिकॉज देखो यार, मल्टीसेलुलर में क्या है ना कि जैसे कि कांट डू सो एंड बिकॉज दे हैड टू रीजनरेट सेल्स, इतनी बातें नहीं करते हैं, सिंपल से बात समझते हैं। अब देखो जरा, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, अब एक बात बताओ ना कि इतना इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना मेरी इस उंगली पे, अगर ये मेरी उंगली कट जाए तो इसके पास सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कैन इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस द होल मनु। ओके, मेरे को फिर से रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, आई हैव टू गो थ्रू द सर्टेन प्रोसेस एंड वूम में आएंगे मदर के, एंड देन वी विल रिप्रोड्यूस, है ना, ऐसे ही होता है ना ह्यूमंस में। ओके, बट इनका हो जाता है, इनमें क्या होता है कि सर्टेन पीरियड में आप ये स्पायरोगेरा मैच्योर हो गए और स्पायरोगेरा तीन चार जगह से ऐसा टूट गया और फिर फर्दर नया नया स्पायरोगेरा, ये स्पायरोगेरा वन यहाँ से मान लो टूट गया, देखो और स्पायरोगेरा टू, स्पायरोगेरा थ्री, यहाँ बन जाते हैं, सिंपल सा। बट रीजनरेशन में क्या होता है कि उनका कोई सिंपल पार्ट, दे हैज एबिलिटी टू रीग्रो द न्यू पार्ट। ओके, या फिर वो पार्ट ऐसे कट गया तो पूरा का पूरा, जैसे कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देख लो ये, ओके प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया किसी वजह से कट गया, अब प्लेनेरिया के पास कैपेसिटी क्या है कि इट कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम दिस हेड, इट कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम दिस पार्ट, एंड इट कैन रिप्रोड्यूस द होल न्यू प्लेनेरिया फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट्स। मतलब शक्तिमान ही है ना, मतलब क्या ये है कि मतलब कट गया भाई, जिंदा तो हम फिर भी रहेंगे, है ना, वो अभी पठाने वाला रक्त बीज है ना, जो एनिमल जो राक्षस होता है उसको कुछ भी मार लो वो मरता ही नहीं है, एक नया राक्षस पैदा हो जाता है जैसे उसका एक खून बूंद खून पे जमीन पे गिरता है, तो ये वो हमारा प्लेनेरिया है। ओके, प्लेनेरिया क्या कर रहा है भाई, एक पार्ट भी कट रहा है तो वो उससे नया पार्ट रीग्रो कर ले रहा है। ओके, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म आर मोर सक्सेसफुल विद द रीजनरेशन देन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए उतना पॉसिबिलिटी नहीं है, हालांकि हमारा जो और अपना लीजर्ड होता है तो लीजर्ड अपना पूंछ रीग्रो कर सकता है, पावर है भाई वो अपने किस्म का शक्तिमान है, वो रीग्रो कर ले रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल सम क्रैब्स कैन ग्रो देयर क्लॉज एंड आफ्टर द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द लॉज, बट ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करा सकते, जैसे कि लीजर्ड सिर्फ अपना पूंछ ग्रो करा सकता है, पूरा लीजर्ड ग्रो नहीं करा, लीजर्ड को गर्दन से काट दो वो नहीं ग्रो करने वाला है फिर। ओके, रिजनरेशन ऑफ लॉट लॉस्ट बॉडी पार्ट्स अकर्स मोस्टली इन इनवर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में तो ऐसा भी होने भी रहना है, वो हायर ऑर्गेनिज्म से वर्टिब्रेट्स। ओके, तो ये और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में ही होता है। ओके, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल हमने ले लिया है, अब बडिंग की बात कर लेते हैं। बडिंग क्या होता है, सिंपल सा देखो यार, यीस्ट और ये हाइड्रा वाइड्रा में होते हैं ये, बडिंग में क्या होता है कि देखो पेरेंट का मन हुआ कि रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो भी पेरेंट्स है इसका मन हुआ कि चलो भाई रिप्रोड्यूस करते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बाहर निकाल जाता है पुच से बाहर निकाल दिया। ओके, इसके बाद साइटोप्लाज्म को भाई देखो, इसको सारा सेल का मटेरियल तो चाहिए, इसको इज्जत चाहिए, इसको चाहिए फुल इज्जत, तो ये सारा सेल का मटेरियल एक धीरे धीरे से स्पेसिफाई होने लगता है, और कभी कभी ये ढेर सारे भी ऐसे रिप्रोड्यूस होते हैं ना, ऐसे चेन ऑफ द यीस्ट फॉर सेल फॉर्मेशन आप देख सकते हो, और कभी कभी सिंपली एक ही से ऐसा निकल जाता है, यीस्ट जो फंगस वगैरह ना, यीस्ट लग जाता है आपके ब्रेड में वो, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से, वैसे तरीके से हाइड्रा में भी हम देख ले, तो हाइड्रा का मन हुआ भाई चलो भैया अपना बाल बच्चा करते हैं, तो बाल बच्चा करने के लिए इसने क्या किया भैया, ऐसे ऐसे बडिंग करी, है ना, बडिंग वडिंग हुआ, एंड बडिंग करके उसके बाद धीरे धीरे देखा बेटा बेटा तुम बड़े हो गए तुम अलग हो जाओ, तो न्यू हाइड्रा सेपरेट्स हो जाता है और ये भी अपना आगे जमीन से लग जाता, बोलता है देखो अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे तुम बोलते हो 18 के बाद हमको इंडिपेंडेंट होना है ना, अंग्रेज हो जाते हैं इंडिपेंडेंट, तो ये है अपना हाइड्रा का लाइफ। ओके, तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बडिंग। ओके, सो बडिंग इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द बर्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, तो हमने देखा कैसे हो रहा था। ओके, अंटिल द न्यू ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स इट रिमेन अटैच टू द पेरेंट, अब भैया मैच्योर ही नहीं होगा तब तक तो पेरेंट्स के साथ ही रहेगा कोई भी, वरना कैसे जिंदा रहेगा। ओके, हाइड्रा एंड यीस्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर रिप्रोड्यूसिंग बडिंग, ओके दे रिप्रोड्यूस बाई बडिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया हो। ओके, एंड तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, एंड थैंक यू, जय हिंद जय भारत।